You're watching Today Express News. देखिए, एज अ अवेयर नागरिक होने के नाते सैंपल्स हमने पहले घी के चेक करवाए थे और अब हमने थोड़ा सा पनीर के चेक करवा के देखे और फिर गवर्नमेंट का डाटा निकलवाया कि इन्होंने क्या क्या किया है, कैसे सैंपल लिए हैं, क्या हुआ है उन्हें, क्योंकि ये कुछ इन्हें क्राइटेरिया होता है कि इतने सैंपल आपको लेने ही लेने हैं और जिसमें से पनीर के सैंपल एक महीने में लिए गए थे और उस एक महीने में 27 सैंपल में से 26 फेल पाए गए हैं। ऑल ओवर फरीदाबाद जो थोक की दुकानें हैं उनसे सैंपल लिए गए थे, जो शादियों में सप्लाई करते हैं, जो और दुकानदारों को सप्लाई करते हैं, जो छोटी मोटी जो पनीर की दुकानें हैं उनको सप्लाई करते हैं, जो थोक विक्रेता हैं उन्हीं के सैंपल फेल पाए गए हैं कि ये जो जिनमें जो इसके अंदर जो चीज़ें मिलाई गई हैं, डिटर्जेंट मिलाया गया है, यूरिया मिलाया गया है, भारी मात्रा में मिलाया गया है और आप ये देखिए 70 रुपीज़ पर केजी की दर से खरीदा जा रहा है, जो दुकानदारों का परचेजिंग का रेट है। आप ये देखिए 60 रुपये किलो जो दूध आ रहा है 70 रुपये किलो में कैसे आप पनीर दे रहे हैं, उसे बचा भी रहे हैं, कर क्या रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा हमारे लिए खतरा है ये। लेकिन जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ ये खुद गवर्नमेंट का डाटा है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने सैंपल कलेक्ट किए हैं। आरटीआई में हमने उनसे मांगा कि जी आप ये बताइए आपने कितने सैंपल कलेक्ट करे और कितने फेल हुए। आप मान के मतलब कि एक भौचक रह जाएंगे, 27 में से 26 सैंपल फेल हुए हैं और बड़ी बड़ी ब्रांड के खोए के बर्फी के मतलब कि आप फरीदाबाद में आज की डेट में जहर खा रहे हैं। शादियों में पनीर बिल्कुल मत खाइए, पनीर कहीं भी मत खाइए, अपना घर में दूध अगर सीधा भैंस से निकलवा के ला सकते तो पिए, नहीं तो अपना पानी पिए और खुश रहिए। हम शरण में हम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। हम ये चाहते हैं कि एक तो जो भी सैंपल कलेक्ट हुए और जो उसकी रिपोर्ट आए डेट शुड बी पब्लिश्ड, इवन पीपल शुड नो आप किसके लिए कलेक्ट कर रहे हैं। आप ये कागजों में रख के फाइलें रख के अंदर 5,000 रुपये जुर्माना लगा के ये फाइलों में रखने के लिए कर रहे हैं या आप लोगों को अवेयर करने के लिए, ये और लोगों का हक है कि हम खा क्या रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए, एटलीस्ट दे शुड नो कि क्या चीज़ ली जा रही है और ये उन्हें बताना चाहिए। लेकिन ये करते क्या है, रख देते हैं। हमारे सबसे पहले डिमांड ये है, कोर्ट में हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट में हम डालेंगे रिट इसमें, हमारे सबसे पहले डिमांड ये है कि दीज नेम शुड बी पब्लिश्ड इन ओपन। सेकेंडली इसमें सिर्फ इन्होंने क्या करा है, सिर्फ पेनल्टी लगाई है 5,000 रुपये की, डेट इज नेग्लिजिबल, इसमें सजा का प्रावधान है और सजा देनी चाहिए। मामला ये है कि एक्चुअली जब हम पनीर खाते हैं, जो भी पनीर खा रहे हैं वो पनीर नहीं खा रहे हैं, पनीर के नाम पे वो ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो केमिकल बोल सकते हैं, यूरिया है, डिटर्जेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे केमिकल्स हैं, ये सारे नॉन फूड कैटेगरी में आते हैं। रादर अगर आप WHO के उस लिस्ट को देखें तो ये कार्सिजेनिक कैटेगरी में आते हैं, कार्सिजेनिक मीन्स ये कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो सिर्फ दिखने में पनीर है बट इन रियलिटी पनीर ना होके वो ऐसे चीज़ें हैं जिनको अगर हम खाएं या बॉडी के अंदर जाए किसी भी तरह से तो वो कैंसर कॉज करेगा। अगर सिंपल भाषा में बोलें तो वो एडल्ट्रेशन होगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो सिर्फ जो खा रहा है उस तक ही सीमित नहीं है, उसके आने वाले जनरेशन जो भी पैदा हो रहा है या होने वाला है उस तक भी वो एक्सटेंड होता है। कानूनी राय क्या है जो आपकी तरफ से? देखिए कानूनी ये है, अंडर प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, जिसमें रूल्स ही बने 1956 में, उस पर प्रावधान ये है डिस्ट्रिक्ट में फूड इंस्पेक्टर को सैंपल लेना चाहिए और सैंपल लेने के बाद उसको लेबोरेटरी में भेजना चाहिए और अगर लेबोरेटरी में वो पास नहीं होता है तो समरी ट्रायल के लिए कोर्ट में जाना चाहिए। मुझे तो ताज्जुब हुआ है, लगता है कि हरियाणा ने उस एक्ट में ही तब्दीली की है, वरना जहाँ पेनल्टी का प्रोविज़न है उसमें 10 तरीके की पेनल्टी है और पेनल्टी अकेला एक में भी नहीं है, उसके साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी है, यानी जेल भी है, सज़ा भी है। यहाँ पर जो अभी वरुण जी बता रहे थे, आप लोगों को क्वेश्चन भी करना चाहिए ADC को कि आपको कहाँ से पावर मिली है। बेशक इसकी कॉपी आप ले सकते हैं एक्ट के 1.5 पेज की, कि प्रावधान तो सबके सब में ये है कि सेंटेंस भी होना चाहिए यानी इम्प्रिजनमेंट भी होना चाहिए और आप सिर्फ जुर्माना ले के छोड़ देते। तो मुझे लगता है कि कानून का पालन प्रॉपर नहीं हो रहा है और क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक स्टेज अब आ चुकी है, इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए सख्त कानून बनना चाहिए इस पर, जिससे कि सख्त सजाएं दी जा सकें।